राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने अपनी ही पार्टी को लेकर जिस तरीके के बयान दिए हैं, अब उस पर सवाल उठाए जा रहे हैं, उस पर चर्चाएं अब तेज हो गई हैं। इसी पर अब बात करेंगे विस्तार से। नमस्कार, मेरा नाम ऋषभ है और आप देख रहे हैं संवाद भारत का, भारत के लिए। वसुंधरा राजे जो भाजपा से, अपनी ही पार्टी से खफा चल रही हैं, अब उनको लेकर एक बड़ी खबर आ रही है। बीते दिनों वो एक भाषण देती हैं और उसमें कहती हैं कि जिस तरीके से अपनी पार्टी में उनके लिए साजिश रची जा रही है, वो बेहद अफसोसजनक है। क्योंकि हमने देखा कि जब मुख्यमंत्री बनाने की बात हुई थी तो राजनाथ सिंह एक चिट्ठी लेके आते हैं, एक पर्ची लेके आते हैं। जब उन्होंने वसुंधरा राजे के हाथ में वो पर्ची दी थी तो उसमें मुख्यमंत्री का नाम था, भजन लाल शर्मा। वसुंधरा राजे को पूरी उम्मीद थी कि उनको मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, पर ऐसा नहीं हुआ। उसके बाद लगातार चर्चाएं तेज हो गई। जब लोकसभा का चुनाव हुआ तो हमने देखा कि वसुंधरा राजे का साथ भाजपा को नहीं मिला। और इसमें चर्चाएं भी तेज हो गई कि केंद्र सरकार, आलाकमान में जो नेता बैठे हुए हैं, उनका क्या कहना है। क्योंकि उपचुनाव आने वाला है और अगर वसुंधरा राजे, किरोड़ी लाल मीणा, ये बड़े नेता साथ में नहीं दिखेंगे तो शायद बीजेपी के लिए मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। इसका खामियाजा इनको लोकसभा चुनाव में भी भुगतना पड़ा था। हमने देखा कि जब ये किरोड़ी लाल मीणा तो हालांकि उनके साथ थे, पर वसुंधरा राजे उस समय उस जगह में मौजूद नहीं थी। वो सिर्फ अपने बेटे के लिए उनके लोकसभा क्षेत्र में प्रचार कर रही थी, बाकी क्षेत्र में वो नहीं गई। इसकी बड़ी वजह ये थी क्योंकि उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया। पर्ची आती है, पर्ची वसुंधरा राजे के हाथ में आती है, पर उसमें नाम वसुंधरा का नहीं रहता। यही कारण रहा कि वो अभी तक नाराज चल रही हैं और जब भी उनका कोई भाषण सामने आता है तो उसमें कहीं ना कहीं वो तंज कसते हुए नजर भी आती हैं। बीते दिनों ही उन्होंने कहा कि जिस तरीके का माहौल चल रहा है वो बेहद अफसोसजनक है। क्योंकि भाजपा को इस समय जरूरत है कि वो एक ऐसा नेतृत्व तैयार करे जिसके लिए उपचुनाव में उनको फायदा हो सके, पर ऐसा कुछ हो नहीं पा रहा। और कांग्रेस भाजपा के अंदर खाने ही बहुत सारी बातें चल रही हैं। कांग्रेस में बात ये चल रही है कि पेपर लीक का मामला तेज है और प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी को लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं कि क्या किसी ब्राह्मण या आदिवासी कार्ड खेला जाएगा ताकि आने वाले उपचुनाव में इसका फायदा मिले। तो वहीं दूसरी तरफ सवाल ये भी है कि डोटासरा का कार्यकाल अच्छा रहा है, लोकसभा चुनाव में इसका असर हमको देखने को मिला, ज़्यादा सीटें आई तो डोटासरा को ही बने दे जो है अध्यक्ष बनना चाहिए। पर मामला यह है कि इसमें दो पक्ष है। एक पक्ष चाहता है कि प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी पर कोई ब्राह्मण बैठे, कोई सवर्ण बैठे या कोई आदिवासी बैठे ताकि उनके जातिगत जो वोट बैंक है वो इस पक्ष में आ जाए। पर एक पक्ष ऐसा भी है जो गोविंद सिंह डोटासरा को चाहता है कि लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से इनका असर देखने को मिला है, डोटासरा ही प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी पर डटे रहें, बने रहें और इसी तरीके से कार्य करते रहें। पर देखने वाली बात यह होगी कि कांग्रेस और भाजपा अपने अंदर खाने जो चल रहा है उसको कैसे सुधार पाती है। खैर, इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट में बताइएगा और देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए।